महकमा सोशल वेलफेयर से माहाना 1,000 रुपया पेंशन हासिल करने के लिए जो नई दस्तावेजात जमा करवाने के लिए हुक्मनामा सादर किया गया था, जिसको मद्देनजर रखते हुए हम देख पा रहे हैं कि पिछले 1 माह से लगातार उम्र रसीदा मर्द और ख्वातीन और उसी के साथ साथ देखा जाए तो माजूर तबका से ताल्लुक रखने वाले अफराद की कसीर तादाद जो जा रही है, जो अपनी सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। अगर इसी जिमन में आज भी मेडिकल बोर्ड लगाया गया था जिसमें माजूरीन को उनकी शनाख्त के लिए जो सर्टिफिकेट जारी की जा रही थी, इस मौके पर एक जानिब जहां माजूरीन की कसीर तादाद जिला अस्पताल में देखी गई जो चीफ मेडिकल दफ्तर के सामने यहां पे अपनी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कतारों में खड़े थे, इस दौरान हमने उन माजूर तबका से ताल्लुक रखने वाले अफराद से जब बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि क्या उन्हें यहाँ पे दिक्कत और परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है, तो उन्होंने अपनी मुसर्रत का इजहार करते हुए यहाँ पे महकमा सेहत की जानिब से जो तैनात मुलाजमीन है जो इनकी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अपने खिदमात और फराइज को अंजाम दे रहे हैं और इनके फॉर्म जमा कर रहे हैं, उनकी सताइश की और उनका कहना था कि उनकी जानिब से इन माजूरीन के साथ अच्छे तरीके से डील किया जा रहा है और इनके लिए हर तरह की जो सहूलियात है वो यहाँ पे फराहम करके दी जा रही है। उनका कहना था कि यहाँ महकमा सेहत का अमला जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन लोगों को इनकी सर्टिफिकेट जारी करके दी जा सके। वहीं इस मौके पर चीफ मेडिकल दफ्तर के जो मेडिकल बोर्ड इंचार्ज मोहम्मद ताज ने उन तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि एक जानिब जहां लोगों को यहां पे दफ्तरों का चक्कर लगाने के लिए काफी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उनकी जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि उन्हें किसी किस्म की दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने बताया कि इनके लिए एक मखसूस जो UDID कार्ड है वो ऑनलाइन होने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर की जानिब से ऑनलाइन उनके घर में भेजा जा रहा है ताकि लोग अपना ये कार्ड हासिल कर सके और उन्हें दिक्कत और परेशानियों का सामना ना करना पड़े। मजीद इस सिलसिले में बात करते हुए मकामी आवाम ने किस तरह से अपनी मुसर्रत का इजहार करते हुए महकमा सेहत के एम्प्लाईज की स्टाइज की है और खास करके जो मेडिकल बोर्ड के इंचार्ज मोहम्मद ताज ने किस तरह से पूरी तफसीलात फराहम की है, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट। देव जी मैं अज एक बार पहले आया था, अज भी मैं अपनी वार्ड ना जड़ा ना पंचायत नी वार्ड ना मेंबर हूं। मैं अपने लोग आंदे इतना कोई चक्कर नहीं लाने डेट देने, महकमे आले बहुत अच्छा काम कर रहे, दिन और रात लगी था ये लोगों ने जड़ा जितना इस दफा काम होया लोगों ने इतना कदे कुसा ना नहीं होया और महकमे आले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किसी की कोई मंदे नहीं बोलने, धक्का नहीं देने, कोई चीज जड़ा कोई पैसा नहीं किन्ने, तो महकमे आले जड़े बहुत काम कर रहे हैं, खासकर डॉक्टर भी इतने ना स्टाफ भी है। बोला भाई किसी शख्स कोई तंग किता है किसी, महकमे आले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं महकमे आले जड़े, और अज लोग मेंढर तू जड़े इसने असें एक काउंट भी नहीं होनी, उस वेला जनाब फार्म दही तो वापस करी छोड़ने, इस वास्ते महकमे आले ने अस हौसला अफजाई करने और महकमे आले की शाबाश देने के ऐसा काम करना चाहिए, और गवर्नमेंट जड़ा है ये बहुत अच्छी स्कीम चलाई है और अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट, लिहाजा मैं ऐसा पर इतफाक करना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो बहुत लोग रही है सन कोई लूला लंगड़ा बेकस बेबस जिसना कोई वसीला नहीं सा, वो जो लोग इतने आए उन्होंने महकमे आले बहुत अमन कर रहे और महकमे आले जड़े ने उन्होंने वास्ते पेंशन ना जड़ा और इंतजाम कर रहे और उन्होंने पेंशन लगनी चाहिए, जड़ा कोई बेबस है बेकस है लूला है लंगड़ा है जड़ा उसकी पेंशन लगनी चाहिए, और जड़ा गवर्नमेंट ने असदात देने ऐसी गवर्नमेंट की जिस गवर्नमेंट ने यह स्कीम चलाई है बेकारा ने बेकसा ने बेसहारिया ने बेसहारिया ने सहारा जी गवर्नमेंट ने बनी है, ये गवर्नमेंट ने बहुत मशहूर है। सर जो भी लोग हम तो सर्कुलेट कर रहे हैं थ्रू मीडिया कर रहे हैं पेपर्स में भी कर रहे हैं या टेलीफोनिकली भी जो भी हमें पूछता है हम उनको अवेयर कर रहे हैं कि भाई आप अपने नियर बाई घर के नज़दीक जो भी कंप्यूटर शॉप है या जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो अपने घर से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, कोई बड़ी परेशानी नहीं है। अदरवा दूसरी तरह की बात आप तहसील सोशल वेलफेयर या डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफसर थोड़ा सा लोगों को अवेयर करें, कैंप लगा के मतलका गांव में जाएं पंचायत में जाएं ताकि लोगों की जो दूर दराज से लोग जो सफ़र होते हैं किसी को आने में किसी को, अब ज़्यादातर लोगों में के बीच ये कन्फ्यूज़न है नहीं जी हम चलते हैं सीएमओ अब जा रहे हैं सीएमओ, वो वहाँ इनका अजाला नहीं हो रहा है, इनका अजाला अपने अपने स्टेशन पर हो जाएगा, जैसे ओल्ड एज है या विडो है ब्लाक जो मेंढर में तहसील मेंढर में ब्लाक मेडिकल अफसर मेंढर को अप्रोच करेगा, सोनकोट वाला
ब्लॉक मेडिकल अफसर सुनकोट को अप्रोच करेगा, मंडी वाला ब्लॉक मेडिकल अफसर मंडी को अप्रोच करेगा। यहाँ तक कि भी महकमे सेहत की अच्छी स्कीम है या उन्होंने अच्छा रोल अदा किया कि अब पीएससी लेवल पे कैंप लगा के ओल्ड एज और विडो को वहीं सर्टिफिकेट इशू किए जा रहे हैं। हमारी भी कोशिश ये रहती है, लेकिन थोड़ा सा बीच में जो लोगों को ज्यादा थोड़ी कन्फ्यूजन है, किसी लोगों ने स्कैनिंग की है, टेम्परिंग की है, उनकी ज्यादा परेशानी आ रही है। 20-25 लोग ऐसे हैं जो टेम्परिंग करके या स्कैनिंग करके ले आते हैं, उनका वेरीफाइड करने में थोड़ी प्रॉब्लम। हम छानबीन अच्छी तरीके से करके जो जेन्युइन केस है उसी को अपलोड कर रहे हैं। सर हम तो कोशिश करते हैं, लेकिन आप हमारा अमला भी है, जैसे कोई हमारे स्वीपर से लेकर ऑफिसर तक सभी दिन भर लगे रहते हैं। वो ये इसी लगन में कि लोगों को जो मुश्किल है, लोग सफर ना हों, लोगों की जो भी परेशानी है वो उसी दिन उसी का अजाला हो जाए। सर हम बार बार कहते हैं, मेरी भी अर्ज है डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफसर, तहसील सोशल वेलफेयर अफसर, हमारे चुने हुए नुमाइंदे चाहे पीआरआई के हों, बीडीसी हों, डीडीसी हों, आप लोगों जो आप मीडिया के हजरात हैं, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हम हमारी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि लोगों के बीच थोड़ी सी अवेयर करें कि आप किसी ऑफिस किसी कंप्यूटर शॉप में मत जाइए। ये चिप वाला कार्ड आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर दिल्ली से डिस्पैच कर रही है, इसी को अपनाएं, इसी को घर, ये बाई पोस्ट आ रहा है, पोस्ट ऑफिस वाले ये घर घर पहुँचा रहे हैं। जो लोग घर पे इसको रिसीव नहीं कर पा रहे वही कार्ड बैक, कल भी हमारे पास 15-20 कार्ड जो सुन कोट के वो हमारे ऑफिस पहुंचे हैं। यहाँ हमारे पास भी नियर बाई किसी का जोट का है, मंडी का है, वो भी यहाँ आ रहा है, जो रिसीव नहीं करता वो यहाँ आ रहा है। लेकिन अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा कि ये चिप वाला कार्ड यही लोग पेंशन वाले पोर्टल पे ऑनलाइन करे, ये उनके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी जो है सिंपल या कोई स्कैनिंग या ऐसी जो नॉर्मल कार्ड है जिसको नॉर्मल पेपर पे है, वो उनके लिए रिजेक्शन भी हो सकती है। ये लोगों के लिए एक अवेयरनेस है कि आराम से बैठिए, एक महीना घर में कोई परेशानी वाली बात नहीं। आप लोग रजिस्टर हो गए हो पोर्टल पे तो आपको कहीं दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं। हमारी यही रिक्वेस्ट है।